Hello dear students, how are you? I hope you all are fine at your home. So today we are going to learn EBS grade senior KG. This one is EBS worksheet. First everyone take out your EBS worksheet and the first question is look at the given picture and match the correct name with its parts. Look at here. फर्स्ट हम उसके फेस पार्ट से स्टार्ट करेंगे. तो फेस पार्ट उसका किसका है? लायन का. एल आई ओ एन, लायन. सो मैच विथ इट. देन ट्रंक. ट्रंक किसकी है? एलिफेंट. वेयर इज एलिफेंट? हियर. ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट. देन नेक. नेक किसकी है? जिराफ. जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ. जी आई आर ए डबल एफ ई, जिराफ. So match with it. Then horn. Horn किसके हैं? Deer के. D double E R, deer. D double E R, deer. यहाँ पे printing mistake है. यहाँ पे D E A R लिखा है. D E A R it means कि हमें जो कोई बहुत प्रिय होता है, हमें कोई अच्छा लगता है तो उसको हम deer कहते हैं. और ये deer यानी कि जो हमारा animal है उसका name है. Okay, so this one is horn of deer. Right? Then next is, येस दिस वन इज पार्ट ऑफ टॉर्टोइस. टॉर्टोइस का ऊपर का शेल है. सो टी ओ आर टी ओ आई एस ई, टॉर्टोइस. देन टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर. टाइगर्स के क्या है यहाँ पे? टाइगर के लेग्स हैं. देन वॉट इज दिस? दिस टू लेग्स ऑफ कैंगारू. K A N G A R double O, K A N G A R double O, kangaroo. So match with it. This one is fin, and that fin is, that is blue whale. Okay, blue whale की fin है. तो हम यहाँ से उसको match करेंगे. Then, so like this, everyone match all parts with its correct name. Now the question number 2 is look at the pictures with wild animal. Find with wild animals color on it then match with a jungle. Okay, आपको क्या करना है? Pictures को अच्छे से देखना है. पहले तो हम wild animal को find कर लेंगे. Okay, wild animal की जो forest में रहते हैं. So snake is also live in jungle. Kangaroo is also live in jungle. Goat, goat jungle में नहीं रहती. Goat हमारे आसपास रहती है. That is domestic animal. Pig और हिप्पो. क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? पीग और हिप्पो. यस दिस वन इज हिप्पो. सो हिप्पो इज ऑल्सो लिविंग जंगल. काव, काव जंगल में नहीं रहती. काव हमारे घर के आसपास रहती है. दैट इज डोमेस्टिक एनिमल. एलिफेंट, एलिफेंट ऑल्सो लिविंग जंगल. देन माउस. माउस भी हमारे घर के आसपास दिखते हैं. घर में भी कभी कभी कभार तो दिखते हैं, राइट. फिर लायन. लायन इज ऑल्सो लिविंग जंगल. तो हमने ये जो सारे मैच किए ना, उसको हम पहले क्या कर देंगे? कलर कर देंगे. सो एवरी वन कंप्लीट दिस क्वेश्चन एट योर होम. दिस वन इज हिप्पो. हिप्पो भी कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है. ओके, हिप्पो लिव इन जंगल. नाउ टर्न योर पेज. यस, the next is question number 3. Read given following and paste green color, green color paper circle in given correct box. आपके जो green color है उसके paper circle ऐसे cut करने हैं और उसको क्या करना है बेटा? यहाँ पे box में stick करना है. कैसे करोगे? Yes, that is question. So first one, does it breathe? Does it move? Does it need food? Does it growing and does it living or non-living thing? Yes. Look at here. ये हमारा living और non-living thing का part है. Question है पूरा. यानी कि living thing. Living thing यानी कि जो breathe कर सकता है. Breathe यानी कि सांस ले सकता है. Move कर सकता है. इधर से उधर कोई भी जगह पे जा सकता है. Okay. Run कर सकता है. इधर उधर जा सकता है. Does it need to food? वो खाने के लिए उसको फूड की ज़रूरत है
अगर यस तो वो लिविंग थिंग है, अगर नो तो वो लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग यानी कि उसमें जीव है, यानी कि वो अपने आप कुछ कर सकता है, वो अपने आप खा सकता है, ब्रीदिंग कर सकता है, देन मूव कर सकता है, देन ग्रोइंग यानी कि वो छोटा है, फिर वो बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा ग्रोइंग हो सकता है। इफ़ येस देन दैट इज़ लिविंग थिंग, इफ़ नो देन दैट इज़ नॉट लिविंग थिंग। ओके, अगर येस है तो यहाँ पे वाई ई एस येस लिखना है, और अगर नो है तो आपको एन ओ नो लिखना है। ओके चलो, दैट वन इज़ लीजर्ड, दैट वन इज़ लीजर्ड। तो लीजर्ड डज इट ब्रीथ, लीजर्ड ब्रीथ करती है, ब्रीदिंग करती है, येस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कलर का पेपर सर्कल जो हमारे पास है कट किया, उसको लगाएंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्लू। चलो, करती है। देन लीजर्ड डज इट मूव, अरे बाप रे, घर में इधर उधर कहीं पर भी वो तो फिरती है, राइट? तो दैट इज लिविंग थिंग, यस, वो मूव भी करती है। डज इट नीड टू फूड, यस, वो खाती है ना, इंसेक्ट को खा जाती है, राइट? सो यस, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ग्रीन कलर का लगा दिया। ग्रो इट, डज इट ग्रोइंग, यस, वो ग्रो करती है, पहले छोटी सी होती है, फिर बड़ी 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 सबसे बड़ी हो जाती है ना, यस। सो दैट इज लिविंग थिंग, क्या हो गया वो, यस दैट इज लिविंग थिंग, वाई ई एस, डज इट लिव। सो डज इट लिविंग थिंग और नॉट लिविंग थिंग, यस दैट वन इज लिविंग थिंग। नाउ एप्पल, डज इट ब्रीथ, नो। डज इट मूव, एप्पल मूव करता है अपने आप, नो। डज इट नीड फूड, वो उसको फूड की ज़रूरत है खाने के लिए, नो। डज इट ग्रोइंग, ग्रो होता है अपने आप, नो। ओके, अगर वो पेड़ पे होगा तो ग्रो होगा, पर ऐसे ही पड़ा पड़ा ग्रो होगा नहीं। सो दैट इज नॉट लिविंग थिंग। देन ट्री, ट्री इज लिविंग थिंग, ओके, वो भी ब्रीथ करता है। क्या ब्रीथिंग में करता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेता है और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सो पेस्ट हियर ग्रीन। देन डज इट मूव, मूव तो नहीं कर सकता वो, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। डज इट नीड टू फूड, यस, अगर हम उसको फर्टिलाइज देंगे तो ही वो बढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ेगा अच्छे से। डज इट ग्रो, यस, वो भी ग्रो होता है, छोटे से बड़ा होता है ना वो, राइट? सो दैट वन इज लिविंग थिंग, यस, वाई ई एस, यस। ओके, नाउ कंप्यूटर, कंप्यूटर को खाने की ज़रूरत है, ब्रीदिंग लेता है, मूव करता है, ग्रो होता है कंप्यूटर, छोटे से बड़ा हो जाता है, आज इतना छोटा है तो कल बड़ा हो जाएगा, नो। सो दैट वन इज नॉट लिविंग थिंग। ओके, रोबोट, रोबोट छोटा है आज, ओके, आज इतना सा है, कल इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट लिविंग थिंग, वो भी ब्रीदिंग नहीं करता, उसको तो हम चार्ज करें तो वो चलेगा, ओके, उसके बिना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी बैटरी अगर डाई हो गई तो वो पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट लिविंग थिंग। फिर हमारी पेन, पेंसिल, वो क्या ब्रीथ करती है, नो, मूव करती है इधर उधर, अगर हम उसको इधर से उधर रखेंगे तो हो जाएगा, पर अपने आप चलकर जाती है वो, नो। देन फूड खाती है, कोई भी फूड लेती है वो, खाना खाती है वो, लंच करती है, डिनर करती है, नहीं नहीं, और ग्रो तो बिल्कुल नहीं होती, इतनी है तो इतनी ही रहेगी, कल इतनी ज़्यादा बड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट लिविंग थिंग। ओके, सो डू लाइक दिस एट योर होम, थैंक यू।